हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्री स्टार आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो आज हम लोग देख लेंगे दैट आप आज के दिन के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज का दिन आपका कैसा जा सकता है बट मैं कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग होगा सो प्लीज़ जितना रेजनेट करें उतना ही लेना एंड लास्ट में हम लोग चेक करेंगे आपके पर्सन की कारंट एनर्जी सिचुएशन एंड ऑल्सो ये पर्सन आज आपसे कह क्या कहना चाहेंगे सो so, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है यहाँ पे साइन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है सो so, ये है आपके कुछ जनरल एनर्जीज़ uh, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लेट्स सी दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज आपके लिए ये पर्सन जो आपके माइंड में है इस वक्त एंड इसे हम लोग सेकेंड हाफ में चेक करेंगे आपकी रीडिंग का मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा आप वहाँ से भी um, चेक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग चेक करेंगे कुछ चैनल्ड मैसेज जो ये पर्सन आज आपको देना चाहेंगे दैट सी ए पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे

yang energy fork in the road treasure island and a extra card like not extra but this is time for a nap jo yahan rakna so let's see what is uh, okay let's let's keep this here let's see what is uh, spirit trying to tell you today सो so, फर्स्टली मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है दैट इज़ आज का जो दिन है आप लोग काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए मैं सच कहूँगी थोड़ा सा स्ट्रगल में बिता रहे हो ये स्ट्रगल आपके रिलेशनशिप्स में या आपके मैरिज में हो सकता है आई फील कुछ लोग ऑलरेडी अपने मैरिड लाइफ को लेके थोड़े से परेशान हो मे भी कुछ दिनों से कुछ इशू वगैरह चल रहा है कुछ uh, कॉन्फ्लिक्स या झगड़ा या ऐसा कुछ चल रहा है जो आप लोग फेस कर रहे हो कंटिन्यूसली बट आई सी दैट आज के दिन आप लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा टाइम आउट ले रहे हो आज के दिन आप लोग काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हो डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुँचने की फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप इस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो जिसके साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है एंड ये वो पर्सन है जो आपके लिए मायने रखते हैं जैसे कि आपका हस्बैंड वाइफ गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पेरेंट्स आपका भाई बहन वॉट एवर जिनके साथ आप हर रोज़ डील करते हो एक डेली बेसिस पे आप डील करते हो इस पर्सन के साथ मे बी आपके बॉस हो सकते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं सो so, अगर ऐसा किसी के साथ भी आपका कोई इशू वगैरह प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है आई थिंक आप इस पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो या ये पर्सन आज आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आप दोनों को काइंड ऑफ टाइम चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने की या इस सिचुएशन का एक सल्यूशन ढूंढने की आई ऑल्सो फील फॉर यू आप काइंड kind ऑफ of यहाँ पे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप किसी से बात करना चाहते हो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका लव सिचुएशन में हो सकता है ये कोई क्रश हो सकते हैं या ये कोई पर्सन जिसका आप पर जिसके मैसेज का वेट कर रहे हो जिसके um, किसी ईमेल या टेक्स्ट मैसेज किसी कॉल का वेट कर रहे हो ये कोई करियर सिचुएशन भी हो सकता है एंड आई फील दैट उसमें आज आप कुछ डीलेज देख सकते हो उसमें आपको थोड़े से डीलेज लग सकते हैं बिकॉज आई फील दैट आप जितना जल्दी किसी चीज़ को चाह रहे हो उतना जल्दी वो चीज़ हो नहीं रहा है आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कहीं पर जाओ एंड वहाँ पर आपको बहुत टाइम वेटिंग करना पड़े वेट करना पड़े uh, आप जो भी जल्दबाजी में करने जा रहे हो वहाँ पे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है सो so, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है वो आपको लग सकता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मुझे लाइक आप थोड़ा सा बेताब हो सकते हो कि कब ये कॉल या टेक्स्ट आएगा कब मैं, कब मुझे क्लैरिटी मिलेगा कब मुझे कर, कम्युनिकेशन मिलेगा या वॉटर लाइक जो भी जिस भी चीज़ का आपको इंतजार है ऐसी वो इंतजार थोड़ा सा और बढ़ सकता है ठीक है आई ऑल्सो फील यर दैट आज आप किसी चीज़ के बारे में एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा होपफुल फील करने वाले हो लाइक आपको बहुत अच्छा लगेगा कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है आप कुछ ऐसा काइंड kind ऑफ of करने के बारे में सोच सकते हो जो आपको काइंड kind ऑफ of एक बहुत ज़्यादा पैशनेट महसूस करवा रहा है जो काइंड kind ऑफ of आपको वो एक बहुत बड़ा क्लैरिटी या लाइक like, आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट आपका जो है वो जग रहा है किसी सिचुएशन या किसी इंसान के ऊपर बिकॉज़ ये जो भी चीज़ है आपको लगता है ये आपका ड्रीम फुलफिलमेंट है या इस चीज़ को करने से या इस इंसान को इंसान के साथ होने से आप काइंड kind ऑफ of किसी ड्रीम को फुलफ़िल कर पाओगे आप काइंड kind ऑफ of ऐसे किसी चीज़ को कर पाओगे जो आपने सिर्फ सपने में सोचा है या जो आपको कभी लगा नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा ओके फॉर सम ऑफ यू आपको किसी बात का गुड न्यूज़ मिल सकता है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस गुड न्यूज़ को इस इंफॉर्मेशन को जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो आज के दिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है दैट ये आपके साथ हुआ या फिर ये लाइक आई फील दैट किसी चीज़ को लेके आप काइंड kind ऑफ of लाइक like, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो एंड फाइनली जब वो चीज़ ख़त्म होता है फ़ाइनली जब वो एग्ज़ाम ख़त्म होता है या वो मीटिंग uh, ख़त्म होता है या um, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलता है सो so जैसे हम लोग एक शांति लाइक like, हम लोगों को जैसे एक शांति मिलता है एक बहुत थकान वाला दिन के बाद जैसे हम लोग सोते हैं हम लोग को जो शांति मिलता है आई थिंक ये वो वाली फीलिंग है लाइक like, फाइनली दिन के एंड को आप सेलिब्रेट करो फाइनली दिन के एंड में आप काइंड ऑफ हैप्पी हो सैटिस्फाइड हो एंड कोई किसी चीज़ का बोझ जो है वो आपके सर से जा रहा है किसी चीज का टेंशन जो है वो आपके सर से कम हो रहा है सो so, ये किसी भी कारण से हो सकता है किसी भी एरिया में हो सकता है ऑल्सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे सिचुएशन में जी रहे हो जहाँ पे कंटिन्यूसली आप किसी टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हो कंटिन्यूसली आप चैलेंजेस uh, फेस कर रहे हो आप कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक लोगों को फेस कर रहे हो या आपके ऑफिस कॉलेज स्कूल या आपके घर में भी हो सकता है या आपके रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स में हो सकता है सो आई फील दैट ये रेड फ्लैग्स जो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं इट इज़ टाइम टू डील विद इट लाइक लाइक आप इस चीज़ को टाल नहीं सकते आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस प्रॉब्लम या ये जो डिसरेस्पेक्ट या कोई इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है कोई इंसान आपका वैल्यू नहीं कर रहा है कोई इंसान आपको हमेशा नीचा दिखा रहा है कोई जगह पर आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हो एंड आई फील एट इस टाइम यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्शन लें एंड आप उस चीज़ को एक्नोलेज करें बिकॉज बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ़ इन लोगों को या इस सिचुएशन को अनदेखा करते आए हो आपने बहुत सारे सेकेंड चांसेस दिया है इस पर्सन को आपने हमेशा लाइक like, इस चीज़ को छुपाया है इस चीज़ को काइंड kind ऑफ of, um, आपने दबा के रखा है दूसरे चीज़ों के नीचे अनदेखा करते आए हो बिकॉज़ आई फील कोई है जो आपको वैल्यू नहीं करते है कोई है जो कंटिन्यूसली आपके एनर्जी को डिसरेस्पेक्ट जो कंटिन्यूसली आपके साथ टॉक्सिक रेड फ्लैग्स दिखाते हैं अपना, so, ये सिर्फ में 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 नहीं है है किसी किसी भी किसी भी relation, connection, friendship में हो सकता है आपके life में, जो इस वक्त है एंड आई फील यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसके साथ इमीडिएटली डील करें आप इसे ना टाले आप इसे एक आदत ना बना ले बिकॉज वो आपके लिए भी टॉक्सिक होता जाएगा विद टाइम सो जस्ट डील विद ओके सो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में दैट इज योर पर्सन करंट एनर्जीज क्या है उनका करंट फीलिंग्स क्या है आपके साथ आपके बारे में लेट्स सी वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून सो दैट इज लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स फाइव ऑफ वॉन्स एस ऑफ सो टेन ऑफ सोट्स King of Wands. Seven of Wands, Wands. Hmm. आपके पर्सन का कोई भी ज़ोरियाक साइन हो सकता है बट यहाँ पे जो भी जोरियाक्स है मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे मेरे पास है कैंसर जेमिनी, सजिटेरियस एरीज केप्रिकॉन टॉरस वर्गो एक्वेरियस ओके दैट इज इट सो ओके लेट अस सी ये पर्सन आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे ये पर्सन का जो मेन फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट इज ये पर्सन काइंड ऑफ होपफुल है आपके कनेक्शन के बारे में बट यहाँ पे मुझे दो तरह का एनर्जी महसूस हो रहा है लाइक दो टाइप ऑफ लोग है यहाँ पे जिनके साथ आप डील कर रहे हो सो so, जो भी टाइप आपसे ज़्यादा रेज़ोनेट करे जानना वो आपके लिए है एंड अगर आपको कोई भी टाइप रेज़ोनेट नहीं कर रहा हो इसे फोर्स मत करना मे बी आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है कल की रीडिंग आपके लिए हो सकता है सो फर्स्टली यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ एक कनेक्शन है ये पर्सन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ बट इस आप दोनों के बीच में कोई और फैक्टर है जो आप दोनों को रोक रहा है लाइक like, इस यूनियन को होने से रोक रहा है इस पर्सन ने आपको रिसेंटली मैसेज किया था या फिर ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में है ये नो no कांटेक्ट या ये सेपरेशन वाला सिचुएशन नहीं है जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कंटिन्यूसली बात करना चाहते हैं ये पर्सन अपने बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन फील कर रहे हैं दैट इस कनेक्शन में मूवमेंट की ज़रूरत है इस कनेक्शन में चीज़ों को सामना करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स uh, को सॉल्व करने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा है बहुत सारे दूसरे लोग इन्वाल्व हैं जैसे कि फैमिली जैसे कि फ्रेंड्स um, जो लोग लाइक like, इतने सारे लोग हैं जो लोग इस कनेक्शन को नहीं चाहते हैं जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों के अंदर यूनियन हो आप दोनों साथ आ जाओ ये चीज़ ये लोग नहीं चाहते हैं एंड आपके पर्सन काइंड ऑफ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं आपके पर्सन काइंड ऑफ आप तक पहुंचना चाहते हैं ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं दैट ये भी खुश नहीं है या इनके लाइफ में भी स्ट्रगल है सो so अगर आप इन्हें गलत समझ रहे हो वो आप ना समझो इन्हें सो so, ये पर्सन बेसिकली किसी टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं किसी सही मोमेंट का सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जब ये एक्शन ले पाएंगे चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे सॉर्ट आउट कर पाएंगे सो so, ये था एक तरफ आ, ऐसे कुछ लोग हैं दूसरे तरफ कुछ और लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं Um, हो सकता है ये आपका सिचुएशन हो दैट दिस इज़ समबडी यहाँ पे जो एक सेपरेशन में हो आप दोनों एक ब्रेकअप एक नो कांटेक्ट डिवोर्स वॉट एवर वहाँ पर ऐसा सिचुएशन चल रहा है आप दोनों का एंड अगर वैसा सिचुएशन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट ये पर्सन अपने ऑप्शनज ओपन रख रहे हैं एंड दिस इज़ समबडी जो बिल्कुल भी क्लोज्ड ऑफ है सो so ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है जिन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया जिन्होंने आपको डिसरेस्पेक्ट किया जिन्होंने मे बी आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है जिन्होंने लाइक आपके बारे में गॉसिप किया या मे बी बस आपको ब्लॉक कर दिए हैं रिप्लाई नहीं करते हैं कॉल नहीं उठाते हैं सो so, ये वो पर्सन है जो काइंड ऑफ कंटिन्यूसली इस सिचुएशन में अपने ऑप्शनज ओपन रख रहे हैं बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक दिस इज़ समबडी जिन्हें लगता है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है एंड इनका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो इस कनेक्शन को फिर से शुरू करे या वो वापस आए लाइक दिस इज़ समबडी जो मे भी थोड़े से प्लेयर टाइप के हैं जो मे भी थोड़े से नार्सिसिस्टिक है जो मे भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट है सो so, ये वो वाले इंसान हैं जो बस जिन्हें बस अपने से मतलब है feelings, अपनी फीलिंग्स अपनी एनर्जी अपना ये अपने लाइफ में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में ये किसको चाहते हैं एंड आई फॉर सम ऑफ यू मे बी इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था मे बी इस पर्सन ने आपको डिच किया था किसी और सिचुएशन में जाने के लिए सो राइट नाउ दिस इज़ समबडी जो अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हैं जो इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं एंड जो क्लोज्ड ऑफ है जिन्होंने आपको ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है जिन्होंने आपको ऑलरेडी मे बी आई लाइक रिप्लाई like नहीं करते हैं सीन करके रखे हैं दैट इज द पर्सन हियर ओके सो ये दो सिचुएशंस है आपको जो रेजोनेट करे जानना वो आपके लिए है कोई भी ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है लेट एस सी ये दोनों पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे एक्सप्रेस योर लव आई फील ये दिस इज फॉर दिस पर्सन जो काइंड kind ऑफ of अपना प्यार अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं जो ये कम्यूनिकेशन ये मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं दैट वो भी मजबूर है एंड वो भी ये कनेक्शन को चाहते हैं जितना आप चाहते हो एंड बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो ये सॉर्ट आउट करेंगे सी वी हैव डिवाइन टाइमिंग सो मैंने क्या कहा था विद डैट व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे इस पर्सन ने ये पर्सन काइंड ऑफ डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन काइंड ऑफ सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये सही टाइम पर सही एक्शन ले पाए इनको सल्यूशन मिल पाए इनको एक रास्ता मिल पाए आप तक पहुँचने की ओके वी हैव लॉन्ग बियॉन्ड एल्यूजनज एंड आई फील दिस इज दिस पर्सन जो काइंड kind ऑफ of ये पर्सन एक मिस्टीरियस पर्सन थे एंड इनको ये चीज़ पता है इन्हें पता है दैट आप काइंड kind ऑफ of, इन्होंने काइंड kind ऑफ of आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दिया इन्होंने काइंड kind ऑफ of आपको कभी भी वो कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने काइंड kind ऑफ of हमेशा आपको एक लूप में रखा एक साइकिल में रखा टॉक्सिसिटी में रखा एंड आप हमेशा गेस करते रहे आप हमेशा क्वेश्चन करते रहे दैट क्या चाहते हैं ये क्यों है ये पर्सन क्या होगा इस कनेक्शन में एंड दिस इज दिस इज़ नार्सिसिज्म दिस इज़ माइंड गेम्स जो इन्होंने आपके साथ खेला है वी हैव क्राइंग इन डिप्रेशन So... आई फील दैट दिस इज़ सबरी जो आपके बारे में सोचते हैं रोते हैं ये पर्सन खुश नहीं है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ से ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है एंड इस पर्सन के अपने ही मजबूरियाँ हैं लाइफ में वी ऑल्सो हैव अट्रैक्शन सो आई फील दिस इज़ लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ मे बी फॉर सम ऑफ यू ये एक फिजिकल कनेक्शन था जो इस नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ आपका हुआ था जो इस टॉक्सिक पर्सन के साथ हुआ था मे बी यहाँ पे इमोशन्स नहीं थे एंड मे बी इस पर्सन ने बस आपके इमोशन्स के साथ खिलवाड़ किया है, रेजनेट कर रहा है आ, पहले यूनिवर्स इज सेकेंड रिटर्न होगा यहाँ पे एक रिकनसिलेशन होगा एंड आपको काइंड kind ऑफ of अपना हार्ट ओपन रखना है आपको काइंड ऑफ फर्गिव करना है सिचुएशन को आपको काइंड kind ऑफ of, uh, समझना है यू नो यू यू कैन कीप योर हार्ट ओपन यहां पे अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा चेंजेस आएंगे डिवाइन टाइमिंग आएगा एक्सप्लेनेशन आएंगे आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा सो देर इज अ लॉट मोर ये ये कहानी अभी तक खत्म हुआ नहीं है एंड द लास्ट कार्ड वी हैव टमोरो वी हैव टमोरो सो मे बी आज या तो कल कुछ होने वाला है किसी का मैसेज किसी का क्लैरिफिकेशन कोई किसी टाइप का अंडरस्टैंडिंग आई डोंट नो सो कल मे भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है आपके लिए आप दोनों के लिए सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दैट इज़ वट आई हैव फॉर यू टेक केयर गॉड ब्लेस यू मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में तो दैन टेक केयर एंड गुड बाय